सो फाइनली दोस्तों टाइगर थ्री का आज है डे नंबर 5 और भाई सब 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एंड दोस्तों 5वें दिन का एडवांस बुकिंग और भाई साहब पूरी रिपोर्ट लेके आओ भाई। 5 दिन के अंदर ना बॉक्स ऑफिस में सन्नाटा फाड़ दिया, हिला डाला और सलमान खान के भाई साहब जितने भी ये हेटर लोग है ना भाई, पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये लोग कह रहे हैं कि भैया कॉर्पोरेट बुकिंग है। अरे भाई साहब क्या बोलते हैं, कलेक्शन कम आ रहा है तो भी दिक्कत हो रहा है और कलेक्शन ज्यादा होगा तो बोलोगे कॉर्पोरेट बुकिंग है। दोस्तों बहुत सारी अपडेट लेकर आओ, लाइक कमेंट करना, वीडियो को अंत तक देखना और अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें मनोज देसाई जो कि ऑनर है मुंबई के एक जाने माने सिंगल थिएटर गेटी गैलेक्सी एंड मराठा मंदिर, एक हाल ही इंटरव्यू में दोस्तों वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं। हाल ही के इंटरव्यू में पता है उन्होंने क्या बोल दिया कि यार सलमान खान की फिल्म में पहले दिन अच्छी चली, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके शोज गिर गए, ये फिल्म में इस वजह से नहीं चल रही क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फिल्म है। और क्या मतलब बनता है कि यार ये जो फिल्म मेकर है वो इंडिया की जगह पाकिस्तान के पीएम को बचा रहे हैं। सो दिस इज नॉट फेयर स्टोरी उनको अच्छी नहीं लगी और कुल मिला के यार मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों कह रहे मनोज देसाई। आई मीन वो ये कहना चाह रहे कि जो मजा जवान पठान में देखने को मिला वो टाइगर थ्री में नहीं मिल रहा है। अब ये चीज भाई बिल्कुल पच नहीं रही है क्योंकि ऑब्वियसली यार शाहरुख सोर्सफुल है, टिकट अच्छा कलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों की भीड़ गेटी गैलेक्सी में भाई बहुत तरीके से हो रही है, रात रात में शो चल रहे हैं, लेकिन मनोज देसाई का इस कदर ये बोलना, ये बयान देना कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे अटपटा सा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि सलमान की फिल्म अच्छे कलेक्शंस कर रही है। हम ये नहीं भूल सकते भाई वीकडे चल रहा है, कल का कलेक्शंस कम आया था दोस्तों, कल मैच था, कल बहुत वर्ल्ड कप का मैच ही समझो, कल कोई मैच कल का मैच वर्ल्ड कप से कम नहीं था भाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो कि ऐसा लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन फाइनली दोस्तों आपको बता दूं कि कल के मैच से भी इंपैक्ट हुआ। कल हॉटस्टार पर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मैच को देखा। इनफैक्ट मैंने भी अपनी वीडियो नहीं डाली, मुझे पता है मेरी वीडियो पे आप सब लोग मैच देख रहे होंगे और मैं भी मैच ही देख रहा था, तो कल का मैच इंटरेस्टिंग था। ऑब्वियसली यार देखो मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी होगी, उसके बाद दोपहर और उसके बाद रात की ऑक्युपेंसी नहीं होगी भाई, क्योंकि लोग अपने घरों में मैच को देख रहे थे अपने परिवार के साथ, तो कल के कलेक्शंस कम हुए हैं उसका रीजन मैच था। ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे थे नहीं पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उस टाइम पे जवान रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे जवान ने अच्छा कलेक्शन किया था, सलमान खान को यार बहुत लोग तंज कस रहे हैं और इसका रीजन यही है। उसके बाद फिल्म मेकर को भी तंज कसा जा रहा है कि पाकिस्तानी फिल्म बना दी उन्होंने, मतलब कुछ भी कह लो यार, लेकिन वीकडे में जो कलेक्शन कर रही है ना भाई फाड़ू कर रही है। 1 करोड़ का फुटफॉल हो चुका अभी तक 5 दिनों में, 1 करोड़ का फुटफॉल, और ये 1990 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई साहब इतनी जल्दी फास्टेस्ट है 1 करोड़ फुटफॉल हो चुका है किसी भी फिल्म का। इसके अलावा हर एक घंटे में 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट 3 डेज में भाई जवान ने 384 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, पठान ने 331 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था एंड दोस्तों टाइगर ने 213 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वेल दोस्तों कुछ कलेक्शन की रिपोर्ट आई है मेरे पास तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट डे आप सबको पता है कि 44.50 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, ये मैं नेट में बता रहा हूं। सेकेंड डे 59 करोड़, थर्ड डे 44 करोड़, थर्ड डे पे 20% का ड्रॉप हुआ, चौथे दिन 50% का ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया, यानी कि 25 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ मात्र। चौथा दिन मैं समझ सकता हूं यार मैच था, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा भाई मैच था इसलिए लोग थिएटर में गए नहीं भाई। उसके बाद पांचवें दिन देखो यार आज का भी बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। देखो यार आज तो गिरावट होगी, लोग ऑफिस जाएंगे आज, यार देखो लोग ये कह रहे हैं कि पिक्चर खत्म, मतलब सलमान खान ने जो करना था कर दिया, अब ये फ्लॉप हो गई है, बॉक्स ऑफिस पर नंबर अब गिर के आएंगे भाई। पांचवें दिन आज की मॉर्निंग ऑक्युपेंसी कम बताई जा रही है, लेकिन फिर भी फिल्म ने 8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और ये फिल्म भाई साहब आज का नंबर बहुत ही खराब कर रही है, 17 करोड़ का ही कलेक्शन कर रही है मैच, 17 करोड़ का टोटल 5 दिनों का कलेक्शन हुआ इंडिया नेट में 189 करोड़, उसके बाद ग्रॉस में 225 करोड़ एंड दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया 337 करोड़। हालांकि दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ये सोचते बैठे थे कि यार कम से कम 60-50 करोड़ हर दिन कमाएगी, इस वीकेंड तक क्या बोलते हैं नेट में 400 करोड़ पार कर लेगी, 500 करोड़ पार कर लेगी, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से अभी वीकडे पे अचानक बॉक्स ऑफिस गिर गया ना भाई समझ से बाहर है। ये भी हो सकता है कि यार देखो जब तक दिवाली थी फेस्टिवल था तब तक चीजें सही चल रही थी, मैच आ गया और मैच की वजह से दोस्तों आज ही 2 दिन
थर्सडे एंड फ्राइडे ऐसे ही रहेंगे। अब उम्मीद की जा रही है सैटरडे और संडे से कम 40 प्लस कलेक्शन करे, क्योंकि 40-50 का कलेक्शन देखना अपने को यार, 40 करोड़ का शनिवार को और संडे को 50 करोड़ पार होने चाहिए, क्योंकि भाई ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस वीकेंड में ये फिल्म ड्रॉप होती है तो भाई फिर इस फिल्म का खेल खत्म हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। सलमान खान के फैंस पे पूरा भरोसा है भाई, जाके देखो फिल्म को थिएटर के अंदर। और दोस्तों क्या लगता है, क्या बॉक्स ऑफिस पे अब ये 1000 करोड़ की पार हो पाएगी, पठान जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? लाइक कमेंट करके बताओ अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो। क्या वाकई में दोस्तों थिएटर पे गिरावट आ चुकी है, आपके आसपास के थिएटर में कैसा माहौल है कमेंट करके बताइए। क्या लगता है टाइगर 3 फिल्म जवान पठान के रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया बेंचमार्क सेट करके एक नई फिल्म साबित होगी? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एंड जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।